नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू वैद आज आपके लिए लाई भारत में विकलांगों की शिक्षा। आपने पढ़ा है कि हमने जो पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि विकलांगों की स्थिति प्राचीन काल में कैसी थी, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ा था। अब जो अपन पढ़ने वाले वो हैं कि भारत में विकलांगों की शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई, किन किन दौर से गुजरी और आज किस तरीके से विकलांगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जा रहा है, वो किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी रिपोर्ट आई, NCERT ने क्या योगदान दिया, सर्व शिक्षा अभियान का इसमें क्या क्या योगदान रहा, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपने जो पहले के टॉपिक्स पढ़े उनको धीरे 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 रिवाइज करते रहिए और बुक का सारा रेफरेंसेस बुक लेके शॉर्ट नोट्स जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखे और साथ में पढ़ते रहे ताकि आपको समझ में आता रहेगा। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है भारत में विकलांगों की शिक्षा। आपने को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विकलांगों की शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा आता है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व मैंने आपको बताया था कि भारत में जो विकलांग हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता से पहले काम कर रही थी वो थी सेवा संस्थाएं। सेवा संस्थाएं, ये जो सेवाएं संस्थाएं थी ये ही विकलांगों के लिए कार्य कर रही थी। केवल नाम मात्र के विद्यालय थे जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बने हुए थे, जैसे नेत्रहीन, स्वर्णहीन, और कुष्ठ। इन रोगियों के लिए कुछ विद्यालय बने हुए थे लेकिन स्वतंत्रता से पहले विकलांगों के लिए विशेष आवश्यकता के लिए कुछ ज्यादा विद्यालय नहीं थे। लेकिन जो विद्यालय थे, जैसे नेत्रहीनों के लिए 30 विद्यालय, स्वर्णहीनों के लिए 32 जो विद्यालय थे, इन विद्यालयों में विकलांगों ने शिक्षा ग्रहण की और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया और बहुत आगे गए। तो उन विकलांगों ने ये कर दिखा दिया कि विकलांग भी सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। तो सेवा संस्थाओं ने योगदान दिया। अब बात है स्वतंत्रता के बाद क्या क्या प्रयास हुए दिव्यांगों के लिए, तो वो देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें भाई लोगों, तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग इन दोनों विभागों को विकलांगों की स्थिति में सुधार करने का भार दिया गया और विकलांगों की शिक्षा का भार इनके बाद आने के बाद ही कई ऐसे परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के बाद अंधे बालकों की शिक्षा, यहाँ पे अंधे बालकों की जगह आप नेत्रहीन विद्यालय भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेत्रहीन विद्यालय। तो अंधे बालकों की शिक्षा के लिए देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में एक विद्यालय स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? देहरादून में एक विद्यालय स्थापित किया गया। अंधे बालकों की शिक्षा के लिए जो देहरादून में विद्यालय स्थापित किया गया, यहाँ पर पुस्तकालय भी बनाया गया, मुद्रण प्रेस भी बनाया गया और धीरे 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 देहरादून का जो विद्यालय था वो केंद्रीय विद्यालय के रूप में जाना जाने लगा और बाद में जाकर इसी देहरादून विद्यालय में स्त्री शिक्षा विभाग, जो कि नेत्रहीन विभाग था, उसको भी इससे संबद्ध कर दिया गया। उसके बाद इसके अलावा भी विकलांगों की स्थिति में योगदान देने में समाज कल्याण बोर्ड, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कौन सा बोर्ड? समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 में की गई। समाज कल्याण बोर्ड जिसकी स्थापना 1952 में की गई, इसने क्या किया? इस समाज कल्याण बोर्ड ने व्यावसायिक
वह शैक्षिक समस्याओं का समाधान व्यावसायिक व शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड 1952 में स्थापित हुआ। तीसरा पॉइंट है मानव कल्याण बोर्ड। इस मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 में। इसके बाद भी विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं को स्थापित करने में भारत सरकार का बड़ा ही योगदान रहा। चौथे नंबर पे आपके आता है क्या, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो कि क्या करती है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद शिक्षा प्रशिक्षण व नियोजन, शिक्षा प्रशिक्षण व नियोजन इनसे संबंधित क्या देती है, परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य। इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कई जगह केंद्र बनाए गए, जैसे चेन्नई है, दिल्ली है, लखनऊ है, हैदराबाद है, कई जगह पर इनके सेंटर्स बनाए गए जो कि नियोजन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए उनको शिक्षा प्रशिक्षण व नियोजन संबंधी परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इसके अलावा भी मूक बधिरों की शिक्षा। तो पहला प्रयास आपने पढ़ा अंधे बालकों की शिक्षा, दूसरा समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना, तीसरा मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना और चौथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। इसके अलावा मूक बधिरों की शिक्षा के लिए हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद में एक स्कूल खोला गया जिसने गूंगे जो बहरे लोग थे उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किया। इसके बाद की अगर हम बात करें मूक बधिर की शिक्षा के बाद राज्य सरकार के कार्य, किसके कार्य, राज्य सरकार के कार्य। कई राज्य सरकारों ने भी इसके लिए रैन बसेरों की स्थापना की। विकलांगों की शिक्षा के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में गृह स्थापित किए गए, कहां पर, पंजाब व चंडीगढ़ में इनके लिए गृह स्थापित किए गए। इसके अलावा यूपी में साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहां पर की गई। तो आपने देखा कि राज्य सरकारों ने भी विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे पंजाब व चंडीगढ़ ने गृह स्थापित किए और यूपी ने साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्थापित किया और भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब ने रैन बसेरों की स्थापना की विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए। इसके बाद की स्थिति देखने से पहले ये देख लेते हैं एक बार दोबारा देखें कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या प्रयास हुए। अंधे बालकों की शिक्षा के लिए प्रयास हुए और देहरादून में एक विद्यालय खोला गया। उसके बाद समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1952 में, इनको लिखते जाएं। तीसरा आता है आपका मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई 1953 में। उसके बाद आता है इसकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करने के पीछे उद्देश्य था शिक्षा प्रशिक्षण व नियोजन संबंधी परामर्श उपलब्ध करवाया जाए, और इसके लिए कई जोन स्थापित किए गए जो कि नियोजन संबंधी परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है मूक बधिरों की शिक्षा के लिए, जैसे अंधे बालकों के लिए देहरादून में विद्यालय स्थापित किया गया, वैसे ही अंधे बालकों के लिए हैदराबाद में विद्यालय स्थापित किया गया। उसके बाद आता है राज्य सरकार के कार्य, कई राज्य सरकारों ने रैन बसेरों की स्थापना की। इसके अलावा
रैन बसेरों के साथ पंजाब व चंडीगढ़ ने कई ग्रह बनाए। उसके अलावा यूपी में साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। उसके बाद देखते हैं कि ये तो हमारे पहले के कार्यक्रम थे, अब समकालीन ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चले जिसने भारत में विकलांगों की स्थिति को सुधारने में अपना वर्षक योगदान दिया। तो वो योगदान हम देखते हैं कौन कौन से योगदान है वो, तो देखिए इसमें पहला आता है कि भारत में विकलांगों की शिक्षा के प्रयास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो समकालीन कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम? समकालीन कार्यक्रम। अब आप अगर भारत में विकलांगों की स्थिति की बात करें तो वो पहले आप देखते हैं, आपको पता है जनगणना हुई 2011 में, कब हुई थी 2011 में, जो कि कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना में कहा गया कि भारत में जो विकलांग या दिव्यांग, क्या बोलते हैं हम, इसको विकलांग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिव्यांग। तो 2011 की जो जनगणना, जो कि 15वीं जनगणना हुई, इस जनगणना में विकलांगों को के बारे में कहा गया कि यह हमारी आबादी के 2.28 करोड़, जो कुल आबादी है उसमें से 2.28 करोड़ तो कौन है? विकलांग। कौन बने? विकलांग बने। इन 2.28 करोड़ जो विकलांग है वो हमारे भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.21%। मतलब ये कि हमारी आबादी का 2.21% जो आबादी है वो विकलांग है, तो हम उनको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है। तो देखे विकलांगों की बात करें तो हमारी कुल आबादी में कितना है? 2.28 करोड़। कौन है? विकलांग। इन 2.28 करोड़ में से पुरुष और स्त्री, पुरुषों की अगर हम बात करें तो 1.50 करोड़ है वो तो है पुरुष, और 1.18% क्या है? स्त्री। 2.28% करोड़ में से 1.50 पुरुष है और 1.18% क्या है? स्त्रियां हैं। अब आप ये देखें कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में जो विकलांग है जिन्हें CWSN, विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए हमारी भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए समकालीन कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। तो देखिए 2011 कौन सी जनगणना थी? 15वीं, और विकलांग जिनको दिव्यांग भी कहते हैं, CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बालक, अक्षमता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये सब इसको कहते हैं हम विकलांग। अब विकलांग जो है मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकता है। अब आगे देखिए कि समकालीन कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। आपको पता होना चाहिए 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट आई बच्चों? सार्जेंट रिपोर्ट। कब आई? 1944 में केंद्रीय सलाहकार परिषद कैब जो है उसके निर्देशन में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। कैब के निर्देशन में ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई। कौन सी? सार्जेंट रिपोर्ट। इस सार्जेंट रिपोर्ट में कहा गया कि विकलांगों को उनकी क्षमता पहचानने वाले विद्यालयों में
पहचानने वाले विद्यालयों में भेजा जा सकता है। 1944 में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई, इस सार्जेंट रिपोर्ट में कहा गया कि कैब के निर्देशन में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि विकलांगों को उनकी क्षमता पहचानने वाले विद्यालयों में भेजा जा सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग 1964 से 66। ये जो कोठारी आयोग था, इस कोठारी आयोग ने सिफारिश की, इसके पहले मुदालियर आयोग भी आया था, कोठारी आयोग ने ये सिफारिश की कि विकलांग बच्चों को, कौन से बच्चों को? विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ये कोठारी आयोग ने कहा। आपको पता है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ 2005, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति लेकर के आए, और इन्हीं रिपोर्टों ने, इन्हीं नीतियों ने, इन्हीं आयोगों ने हमारे देश में विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए भी काफी प्रयास किया था। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोनों समझ में आ गया कि समकालीन कार्यक्रम में सार्जेंट रिपोर्ट ने कहा कि विकलांगों को उनकी क्षमता पहचानने वाले विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। कोठारी आयोग जो कि 1964 और 66 के बीच में रहा, इस कोठारी आयोग ने कहा कि विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें भाई लोगों, जो शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति लेकर के आया भाई लोगों, वो था आपका सर्व शिक्षा अभियान। आपने नाम भी सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। नाम सुना है बच्चों? किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। इसका नाम सुना है आपने? सर्व शिक्षा अभियान, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति लेकर के आया, और आज इसी सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर चल रहा है समसा। क्या चल रहा है भाई लोगों? समसा। सर्व शिक्षा अभियान की जगह अब क्या चल रहा है? समसा। और इससे पहले चला था रमसा। क्या चल रहा है? समसा। समझ आए? तो सर्व शिक्षा अभियान आया कहां से? तो ध्यान रखो, हमारी भारत सरकार द्वारा 1994 में एक योजना चल रही थी, लोक जुम्बिश योजना। कौन सी योजना चल रही थी भाई? लोक जुम्बिश योजना। इस लोक जुम्बिश योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करने का प्रयास किया गया, विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं को आगे कारगर बढ़ाने का प्रयास किया गया। बाद में जाकर सर्व शिक्षा अभियान आया 2000 में। कब आया? 2000 और 2001 में। 2000 में इसको प्रारंभ किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को। ये जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसका उद्देश्य यही था, क्या? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। किसका सार्वभौमीकरण करेंगे? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए समसा आया, सॉरी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए क्या आया? सर्व शिक्षा अभियान। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए था, रमसा। माध्यमिक शिक्षा के लिए है, और समसा पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक जो है वो है समसा, जो आज चल रहा है। अप्रैल 2019 से
समसा चल रहा है और ये समसा किसकी तर्ज पर बनाया गया? सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान ये बार बार आएगा, तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सर्व शिक्षा अभियान की कुछ योजनाएं बताऊंगी ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 जो जिसका मेन मोटिव था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, और इसका उद्देश्य ये भी था कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, ये जो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 या 1 से 8, 1 से 8 तक की शिक्षा को बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा बच्चों? प्रारंभिक शिक्षा। और 1 से 5 प्राथमिक, और ये है उच्च प्राथमिक, और इन तीनों दोनों को मिलाकर के क्या बनती है? प्रारंभिक शिक्षा। को हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिलवाना सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव था। और ये कहा गया कि 2003 तक कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सभी बच्चों का नामांकन करवाया जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था सभी को समानता के साथ शिक्षा प्राप्त करवाना, ये सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव था। सभी विद्यालयों में सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सर्व शिक्षा अभियान का मोटिव था। और सर्व शिक्षा अभियान ने इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई, और इसी सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांगों की शिक्षा के लिए जो शिक्षा चलाई उसी का नाम आता है आपको बच्चों समेकित शिक्षा। कौन सी शिक्षा? समेकित शिक्षा, जिस पर आपकी पूरी बुक लिखी हुई है वो ही है समेकित शिक्षा। और इस समेकित शिक्षा के लिए बहुत अच्छी पहल और इसके लिए प्रभावी कदम उठाने वाला था आपका सर्व शिक्षा अभियान। समेकित शिक्षा का मतलब यही था कि विकलांगों को भी सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ एक साथ बिठाकर अध्ययन करवाया जाए, इसी को हम बोलते हैं समेकित शिक्षा। और इस समेकित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूलों में विभिन्न प्रकार के उपकरण, जो अध्ययन सामग्री है, विभिन्न प्रकार से उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ताकि विकलांग भी सामान्य बालकों की तरह अध्ययन कर सके और समाज में अपना योगदान दे सके। और समाज में जो विकलांगों के लिए नकारात्मक रवैया है उसको सकारात्मक कैसे बनाया जाए, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपने देखा सर्व शिक्षा अभियान, जो कि लोक जुम्बिश योजना को बाद में जाकर के सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। और इसी सर्व शिक्षा अभियान ने जो शिक्षा प्रारंभ की उसी का नाम है समेकित शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। और इसी समय की शिक्षा के तहत सर्व शिक्षा अभियान ने विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड्स थे उनके लिए विशेष प्रयास किए। तो आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान ने भी विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास किए थे। उसके बाद देखो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए भारत सरकार के द्वारा, जिसने विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए, उसमें आपने सर्व शिक्षा अभियान देखा। इसके अलावा NCERT, नाम सुना होगा NCERT, जिसकी स्थापना हुई थी 1961। जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1961 में हुई थी। और इस NCERT ने भी विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें भाई लोगों, तो इंटरनेशनल जो संस्थाएं थी उन्होंने एक स्पेशल नीड्स के लिए स्पेशल कक्षाओं की योजना को कारगर बताया। कई देशों ने ये कहा कि इन स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, और कुछ ने कहा कि इसके लिए स्पेशल विद्यालय भी होने चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने स्वीकार किया कि स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्पेशल विद्यालय बनाए जाएंगे
अगर उनमें एजुकेशन का स्तर, उनमें अभी क्षमता का विकास हो जाता है तो उन्हें सामान्य विद्यालयों में डाला जाएगा और सामान्य बालकों के साथ उनको अध्ययन करवाया जाएगा। तो इन रिपोर्टों में सार्जेंट रिपोर्ट, सर्व शिक्षा अभियान, इन सब ने विकलांगों की स्थिति में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किए। अक्षमता वाले बालकों को समाज में जो स्थान दिया जाता है, उस स्थान को कैसे ऊंचा उठाना है, भारत में विकलांगों की स्थिति को कैसे सुधारना है, इसके लिए कई प्रयास भी किए गए। अब हमारे भारतीय संविधान ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कौन हमारा संविधान, हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है कि विकलांगों की स्थिति के लिए क्या संवैधानिक अनुबंधन करता है, ये सब हम जो है अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। आपने संविधान के बारे में मौलिक अधिकार तो पढ़े ही हैं, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 समस्त भारतीय नागरिक को क्या देता है, समानता का अधिकार देता है, और इसी समानता के अधिकार के नाते विकलांगों को भी समाज में जीने का हक है, समाज में उनके रवैये को बदलने की जरूरत है। और आप सब लोग जो बीएडधारी है उनको भी ये समझना होगा कि जब क्लास में विकलांग है तो उसको ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण या ऐसा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाए ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके, उनको समाज में एक अच्छा दर्जा मिल सके, इसके लिए हम शिक्षक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं तो आप मेरे इस वीडियो को देखें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने कैसा वीडियो बनाया, और आपको आगे इसी तरीके से मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप चाहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करूं तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों को इस जो आपका लिंक है, YouTube का लिंक है, उस YouTube लिंक पर आप इसको भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए और मैं अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू रख सकूं और शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी विद्वता को लोगों के सामने उजागर कर सकूं। आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।